गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम नई एक्सरसाइज और नया टॉपिक कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट योर स्टडीज़। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड में जाओ, आपको HCF LCM तो अच्छी तरह से आना ही चाहिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। अब यहाँ पे देर आर थ्री मेथड्स। एक है लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड, एक है प्राइम फैक्टर्स और एक है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये हम एक्सरसाइज के साथ ही ले लेते हैं कि ये लिस्टिंग फैक्टर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये प्राइम फैक्टर्स का है और उसके बाद डिवीजन मेथड का है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई लिस्टिंग ऑफ मैथड्स। देखिए, मैंने जैसे बोला था ये डिवीजन मैथड और ये कोई और क्वेश्चन है, को प्राइम्स वाला है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 12 फर्स्ट क्वेश्चन का आप देखेंगे तो 12 और 15 के हम फैक्टर्स लिस्ट करते हैं। सो 12 का फैक्टर्स जो हम बहुत बेसिकली करते थे, 1 × 12, फिर 2 × 6, फिर 3 × 4 एंड देन रिपीट। सो ये होगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 15 में 1 × 5, 2 में नहीं होगा, 3 × 5, 4 में 5। सो इट्स 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है HCF के लिए, यहाँ पे अगर आप कॉमन देखेंगे 1 है और ये 3 है, राइट। सो 1, सो HCF होगा 1 और 3 कॉमन, सो हाईएस्ट कौन सा नंबर है ये दोनों में से, 3। सो HCF ऑफ 12 एंड 15 इज़ व्हाट, 3। सो 24 का देखने जाओ तो 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 5 में नहीं आएगा, 6 में रिपीट हो रहा है। उसी तरह 36 का 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 5 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में हो रहा है। सो 24 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ठीक है, 36 का है 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18 एंड 36, राइट। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं तो वो हम देख लेते हैं एक बार। सो कॉमन फैक्टर्स इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 1 है, फिर 2,
मिनट। ओके सो 1, 2, 3, 4 और ये 12, राइट? ये 12 है। सो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4 एंड 12। तो हाईएस्ट कौन सा है? 12। सो HCF इज व्हाट? 12। 40, 50 एंड 60। सो 1 × 40, 2 × 20, 3 में तो नहीं आएगा, 4 × 10, 5, 8 = 40, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं, एंड देन 8। 1 × 50, 2 × 25, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, ओके 5 × 10, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10। 1 × 60, 2 × 30, 3 × 20, 4 × 15, 5 × 12, फिर 6 × 10, फिर 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो 40 में 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। 50 में है 1, 2, 5, 10, 15 एंड 50। फिर 60 में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60, ठीक है। अब इसका कॉमन देखते हैं, तो कॉमन तो ये है एक 1, उसके बाद ये 2, 4 नहीं है, 5 है कॉमन सब जगह पे, ये 5, 6 यहाँ पे नहीं है, 10, हाँ 10 है सब जगह पे, 10, देन 20 यहाँ बीच में नहीं है, 40 बीच में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कौन से हुए? सो द कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 5 एंड 10, और उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 10। ओके मतलब आप जब भी ऐसे सम्स करो ना, तो आपको ये सारा मेथड दिखाना पड़ेगा, फाइन। चलिए अब है 54, 72 एंड 162। सो 1 × 54, 2 × 2, 2 = 4, 7 = 3 × 18, 4 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6, 6 × 9 = 54, 7 में नहीं होगा, 8 में नहीं होगा और 9 में। 1 × 72, 2 × 36, 3 × 24, 4 × 18, 5 में नहीं, 6 × 12, 7 में नहीं जाएगा, 8, 9 एंड देन रिपीट। फिर 162, 1 × 162 = 162, फिर 2 × 81, 3 × 54, 4 नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा इधर रब कर दो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। फिर 5 नहीं जाएगा, 6 में 6 × 12, 14, हाँ 6 × 6 = 12 एंड 6 × 7 = 42। फिर 7 में 7 × 7 = 14,
और फिर 22 बचा नहीं, 7 नहीं जाएगा, 8 टू ज़ा नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 नहीं, 11 नहीं, फिर 162 12 में जाएगा कि नहीं, एक मिनट रुकिए, मतलब कोई भी है ना छोड़ना नहीं है जब तक वो आए नहीं, 8 नहीं जाएगा, 9 हाँ 9 में जाएगा, सो 9 इंटू 18, 10 नहीं जाएगा, फिर 11 नहीं जाएगा, 12 नहीं जाएगा, 13 नहीं जाएगा, 14 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 16 नहीं जाएगा, 17 नहीं जाएगा, 18 तो गया, मतलब वो रिपीट होगा, ठीक है, मतलब जहाँ तक रिपीट ना हो वहाँ तक आपको करना है। अब ये देखिए, ये 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 and 54, फिर ये 72 का है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 and 72, 162 का है, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81 and 162, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन कौन से हैं, पहले तो ये 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, फिर 6, तो जा 6 हाँ 6 है, फिर 9 नहीं है यहाँ पे कहीं पे, 9 ये रहा, 9 यहाँ पे भी है, 9 और यहाँ पे भी, मतलब 9 भी है, राइट, उसके बाद 18 भी है, उसके बाद 27 बीच में नहीं है, 54। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए, पहले कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं उसमें से फिर हाईएस्ट कॉमन लिखेंगे। सो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 9, 18, ठीक है, और उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है, 18। सो 1 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, 5 में नहीं जाएगा, 5 8 42, 5 नहीं जाएगा, 6 7 42 और ये रिपीट हो रहा है, फिर ये 1 इंटू 63, 2 नहीं जाएगा, 3 से 3 इंटू 21, 4 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7 9 और फिर यहाँ तक, फिर 1 इंटू 105, बाद में 2 नहीं जाएगा, 3 इंटू 3 3 9 and 5, 4 नहीं जाएगा, 5 जाएगा, 5 2 and 1, 6 नहीं जाएगा, 7 जाएगा, 7 1 7 5, 8 नहीं जाएगा, 9 दिखते हैं नहीं, 105 वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, फिर 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से होगा, सो ये रिपीट हो रहा है, राइट। सो 42 का 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 and 42, 63 का है 1, 3, 7, 9, 21 and 63, 105 का है 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 and 105, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन देख लेते हैं, तो एक ये कॉमन है, फिर 2 नीचे 2 नहीं है, 3 है कॉमन, 3, 6 नहीं है, 7 है कॉमन,
14 नहीं है, 21 है सब में कॉमन, एंड देन 42 एंड ऑल. सो पहले हम क्या लिखेंगे, 21 के कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे. सो 1, 3, 7 एंड 21. उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 21. सो 21 इज योर आंसर. क्वेश्चन टू में फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अब तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है. सो 96 एंड 120. सो 96 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स हमने देखा हुआ है कि हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट. 120 का भी कर लेते हो, ओके. ओके सो 96, सो 2 4 8, 2 8 16, 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 2 60 2 30 2 15 3 5 and 5 1. सो 96 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × मतलब 5 × 2 है इंटू 3, एंड 120 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 3 × 5, राइट. अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कितने निकल रहे हैं. एक तो ये 2, फिर ये एक 2, ये एक 2 और ये एक 3, राइट. अब इसका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे. सो एच सी एफ इज इक्वल टू, ये जितने जितने कॉमन है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × 2 है इंटू 3. सो 8 × 3 = 24. सो 144, 2 × 72 = 236, 2 × 18 = 2 9, 3 × 3 = 3 1. 372 जाएगा, 2 पहले तो 2 से ही करना है. 2 × 93 = 3, 3 = 1 and 8 = 31. सो 144 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, एंड 372 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 31. अब यहाँ पे इसको ये टू और एक 3, राइट. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 विच इज इक्वल टू 12. अब 7021 है. सो 7021 डिवाइड बाय 3 तो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, ये क्योंकि देखिए ये 7 + 2 = 9 + 1 = 10. तो ये डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 7 से कर लेंगे. सो इट्स 1003, ठीक है. उसको अगेन डिवाइड बाय हम 7 नहीं कर सकते. फिर 9 करते हैं वो भी नहीं होगा. फिर पीछे 3 तो किस में आएगा, 3 से करते हैं वो भी नहीं होगा क्योंकि 3 + 1 = 4 है. सो 11 नो, 12 नहीं, 13 नो, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से होगा. सो डायरेक्ट 17 से होगा 59, और 59 तो क्या है, प्राइम फैक्टर है 1 ज़ा. अब ये 4 1 3 0, तो ये पहले 2 2 ज़ा, फिर 0, 2 6 ज़ा 12 एंड 5, फिर ये 8 और 5, 13 एंड 13, तो मतलब 5 से ही जाएगा. 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है. मतलब देखो आराम से करना है, इसमें कोई भी नहीं होना चाहिए गड़बड़. अब ये 4 1 3 है वो 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से जाएगा. सो 7 ज़ा 59 एंड 59 1 ज़ा, ठीक है. तो क्या होगा, देखिए 7021 इज इक्वल टू 7 × 17 × 59, एंड 4130 इज इक्वल टू 2 × 5 × 7 × 59, ठीक है. अब ये होगा
एक तो ये 7 होगा और 59 होगा। ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7 इंटू 59 विच इज इक्वल टू 413। इतना बड़ा आ सकता है, ठीक है, उसमें कोई डाउट मत रखो। 40, 36 एंड 126। ओके, सो 40 है, 220 आ, 210 आ, 25 आ, 51 आ, 36, 280 आ, 29 आ, 33 आ, 31 आ, उसके बाद है 126, 26 आ, 12, 23 आ, 32 आ, 21 आ, 37 आ, 71 आ। सो 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 126 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, सो एक तो ये, फिर और कोई कॉमन नहीं है, राइट? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, HCF इज इक्वल टू 2, राइट? देन 180, 144, 192। सो 180, सो 290 जा, 245 जा, 315 जा, 35 जा, 51 जा। 144 है, 27 जा, 2 जा। याद रखिए 2 से स्टार्ट करो, नहीं हो रहा है तो 3 से करो, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको समझाया है, ठीक है? फिर डायरेक्ट आप 12 जा लिख दोगे तो नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन है तो मतलब सारे प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए। 224 जा, 212 जा, 26 जा, 23 जा, 31 जा। सो 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है? फिर 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर 192 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट? उसके बाद है कॉमन फैक्टर, एक 2 और ये 2, फिर अगेन 2 2 2, फिर 3 3 एंड 3, बाद में दूसरा तो 3 है नहीं इसके अंदर, ठीक है? मतलब तीनों में कॉमन आना चाहिए, राइट? तीनों में होना चाहिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। सो HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। 522, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा। अब ये 261 है वो 3 से डिवाइड होगा, सो 387 ज़ा, और 87 87 तो प्राइम नंबर ही है, सो 87 तो 87 ही होगा, नहीं 87 भी 3 से होगा, सो 3 टू ज़ा 6, 3 9 ज़ा एंड 29 1 ज़ा। फिर 1276 तो 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा। फिर 319 है, सो 319 को देखिए 3 से करो नहीं होगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 से करो नहीं होगा, 7 से करो नहीं होगा, 8 9 से करो नहीं होगा, फिर 10 नहीं, 11 से करो तो 11 से होगा, सो 11 इंटू 29 एंड 29 वन ज़ा। फिर 1624, सो 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, 0 6, 2 0 3। अब 203 है, सो 203 इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं,
सिक्स से नहीं, सेवन से होगा। सो सेवन 29 एंड 29 वन्स, ठीक है। सो 522 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 29, फिर 1276 इज इक्वल टू 2 × 2 × 11 × 29, एंड 1624 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 7 × 29, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन देखो क्या है, एक तो ये 2 है और बाद में 3 तो नहीं है कहीं पे, फिर 29 है, राइट। और इसका होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 2 × 29 विच इज़ इक्वल टू 58। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब ये ध्यान से देखना, ठीक है। 650 और 525, अब देखिए सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, ये है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम 650 को डिवाइड करेंगे 525 से, तो ये तो 1 ही आएगा, 525, ठीक है। सो 650 माइनस 525 तो क्या आया, 125, ओके। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये 125, अब ये 525 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 125 से ये डिवाइड करेंगे, जब ये करेंगे जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। 125 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 500, तो यहाँ पे बचा क्या, 25। अब ये 25 को देखो, मैं कलर चेंज करती हूँ, ये 25 को ये 125 और 25, तो क्या करेंगे हम, ये 125 को ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 125 डिवाइड बाय हमें क्या चाहिए, तो ये 5 125 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HCF कौन सा आया, जो आपका लास्ट डिवाइज़र जो होता है वो, मतलब कि ये 25, राइट। सो HCF इज़ व्हाट, 25। ये 935 एंड 1320, सो यहाँ पे हम 1320 को डिवाइड करेंगे 935 से, सो 1 से ही होगा 935। सो 1320 माइनस 935 आप करो तो क्या आएगा, 385। अब ये 385 वो डिवाइज़र हो जाएगा 935 का, ठीक है। तो 385 इंटू 2 करेंगे तो 770 आएगा, इंटू 3 करेंगे तो बड़ा हो जाता है, सो 2 करेंगे तो इट्स 770, ठीक है। अब यहाँ पे 935 माइनस 770 करेंगे तो इट्स 165, राइट। सो 165 को 385, मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है। सो 165 इंटू 3 करेंगे तो 495 आ रहा है, इंटू 2 करेंगे तो 330 आएगा, सो 55। सो अगेन इसको करेंगे 165, सो 55, मतलब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 165 डिवाइड बाय 55 करेंगे तो 3, सो 3 ज़ा 165 और ये 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 55। ये जो लास्ट आपका जो डिवाइज़र होता है जिससे रिमाइंडर 0 आता है, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा और वो है 55। सो यहाँ पे 1520 इज़ डिवाइडेड बाय दिस, सो ये 1 होगा 1045। सो 1520 माइनस 1045 इज़ नथिंग बट 475, फिर ये होगा उससे डिवाइड।
ये जो है ना 475 इंटू आप 2 करोगे तो इट्स 950, इंटू 3 करोगे तो 14, तो 2 से ही जाएगा क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा फिर। 2 ज़ा इट्स 950, ठीक है। सो 1045 माइनस 950 गिव्स यू 95, और फिर 475, फिर 95 इंटू 5 करेंगे तो 475 आ रहा है, एंड द रिमाइंडर इज 0। सो हैंज योर एच सी एफ इज 95 है, 318848 एंड 689। हम क्या करेंगे, पहले ये दो का करेंगे, फिर उसका जो एच सी एफ आएगा उसको ही हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब इन दोनों का जो वो उससे ही हम 689 को डिवाइड करेंगे, राइट। चलिए तो सबसे पहले ये दोनों करते हैं। ये दोनों में बड़ा नंबर 348 है और छोटा नंबर है 318। सो 318 इंटू 2 करेंगे तो 636 आ रहा है, इंटू 3 करेंगे तो 9 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9 मतलब। सो 2 से करेंगे तो 2 से आएगा 636, ठीक है। सो 848 माइनस 636 गिव्स यू व्हाट, 212, ठीक है। उसके बाद ये 318, सो ये भी 1 से ही जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 तक जाएगा, सो 212, सो इट्स 106 एंड 212। तो यहाँ पे 106 इंटू 2 करेंगे तो 212 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 मतलब यहाँ पे तो एच सी एफ क्या है, एच सी एफ इज़ 106, ओके। लेकिन अब तीसरा नंबर है, सो तीसरे नंबर में हम इसको जो 689 जो है वो हम इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब जो है वो वन, अब हम एच सी एफ जो फाइंड करेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ 106 एंड 689, राइट। सो 689 एंड 106, सो 106 इंटू 6 करेंगे तो 636 आ रहा है। सो ये है 53 और ये 106, सो 2 ज़ा 1060, सो एच सी एफ इज़ वॉट, 53, राइट। अब मतलब कि आपका फाइनल एच सी एफ कौन सा है, फाइनल एच सी एफ इज़ वॉट, 53, ये आपका फाइनल एच सी एफ है। सो एच सी एफ इज़ इक्वल टू 53। 213342485 एंड 8520, तो पहले ये दोनों का करेंगे, सो इट्स 2485 एंड 213। सो 213 इंटू 2 करेंगे तो 426 आएगा। सो यहाँ पे 1 ज़ा, या तो फिर डायरेक्ट मतलब ऐसा नंबर लेना है जो 2485 ला दे डायरेक्ट ही, सो इट्स समथिंग 24 है ना, तो इंटू 12 करेंगे तो इट्स 2556, इंटू 11 करेंगे तो इट्स 23, सो 11 से करेंगे तो इट्स 2343, राइट। अब 2485 माइनस 2343 इज़ 142, और ये 142 डिवाइड होगा, मतलब वो डिवाइड करेगा 213 से। सो 142 इंटू 2 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, सो 142 1 ज़ा 142, राइट। सो 213 माइनस 142 इज़ 71, और 71 को फिर डिवाइड करेंगे इससे, सो इट्स 2 ज़ा, वन फोर्टी टू एंड 0, तो मतलब 71 आया। अब हमें एच सी एफ ऑफ 71 एंड 8520 फाइंड करना है, 8520 एंड 71,
राइट. सो 71 इंटू 11 करेंगे तो नहीं आएगा, इंटू 21 करेंगे तो 14 समथिंग आएगा, इंटू 71 करेंगे. अगर 71 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये ही मिलेगा. सो 0. सो HCF क्या आएगा, HCF इज 71. मतलब करना पड़ेगा आपको, राइट. ठीक है, ये इसको आप है ना साइड में भी इसको मतलब डिवाइड कर सकते हो, 8520 को साइड में डिवाइड करके फिर यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हो. ठीक है, मैंने भी वैसे ही किया है, साइड में ही किया था, क्योंकि इतना लंबा तो कैलकुलेशन करना और तुरंत ही आना मतलब वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, 3165538691027 और दो डाल देने थे इसके अंदर तो 6 नंबर हो जाते है ना, 4 नंबर दे दिया है लॉन्ग डिवीजन मेथड में. चलो 553 और ये 316. एक बात बोलना चाहूँगी कि ये डिवीजन मेथड ज़्यादा लंबे तक नहीं चलेगा, जो मेथड चलेगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो तो आना ही आना चाहिए. ठीक है, ये मेथड आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर HCF फाइंड करो ऐसा लिखा हुआ होगा एग्ज़ाम में तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन बाय डिवीजन मेथड लिखा है तो यही मेथड करनी पड़ेगी. आंसर सेम आएंगे सब में, लिस्टिंग फैक्टर्स में भी सेम आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आंसर तो सेम ही आएगा, राइट. लेकिन जो बोला है वो करना पड़ेगा. तो ये तो 2 से ही जाएगा. सो 553 माइनस 316 इज 237. ओके, सो ये 237. सो 316 माइनस 237 इज 79 और 237. सो 3 जा कर लेंगे है ना, 79 इंटू 3 करेंगे तो 237 आ जाएगा. देखो थोड़ा सा है ना सोचना पड़ेगा कि 9 3 27 है तो 3 से करेंगे तो आ जाएगा 0. अब HCF हम किसका फाइंड करेंगे, 79 एंड 869 का, राइट. सो 869 एंड 79. सो 869 डिवाइड बाय 79 सीधा करेंगे ना तो डायरेक्ट 11 से ही आ जाएगा 869, तो ये 0. ठीक है, फिर से यही चलेगा. सो HCF ऑफ 79 एंड 1027. तो अगर मैं इसको और अगेन 79 से ही जाएगा, सो 1027 डिवाइड बाय 79 तो वो 13 आएगा. मतलब 1 से 2 से 3 से 13 से ही करेंगे, सो 1027 एंड 0. ठीक है, तो HCF क्या आया, HCF आया इसका 79. सो 79 इज द HCF, राइट. सो शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर क्रो प्राइम्स. ठीक है, तो मतलब 81 और 95 है, तो 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब 81 है तो 81 के फैक्टर्स कौन से होंगे, अगर हम देखने जाए तो 3 3 2 6, 3 7 3 9 3 3 3. तो मतलब ये देखिए, ये वहाँ ये है को प्राइम. ठीक है, अब 161 ले लीजिए,
161 डिवाइड बाय 3 नहीं होगा, डिवाइड बाय 7 हाँ, सो 7 23 ज़ा 23 1 ज़ा, और ये 192 तो 192 2 9 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 2 24 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये भी को प्राइम्स हुए ठीक है। क्योंकि देखिए 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर्स है नहीं ये दोनों के बीच में। अब 221 है तो 221 तो ऑब्वियसली सो ये अगर हम 13 से करेंगे तो 17 और 17 वनजा एंड 550 सो 19 29 एंड 29 वनजा, तो ये भी क्या हुआ, ये भी को प्राइम्स हुए ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, ये सारा आपको डिवाइड करके करना पड़ेगा, और सबसे पहले तो को प्राइम का जो डेफिनेशन है ना वो पता होना चाहिए आपको। सो 432 सो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 0 8 2 54 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 3 9 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा ठीक है। उसके बाद ये है 343 सो 343 तो 11 से जाएगा, नहीं 11 से नहीं जा रहा है, ये 343 क्या था यार, किसी का डिवाइड बाय 997 हाँ 7 से जाएगा ये 749 ज़ा 77 ज़ा 71 ज़ा, मतलब कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दिस इज़ आल्सो को प्राइम। अब 621 एंड 385 है, 621 जो है वो 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6 0 7, उसके बाद अगेन 3 3 6 ज़ा 18 9 ज़ा, अगेन 3 3 23 ज़ा एंड 23 1 ज़ा, ये जाएगा 3 और 8 11 एंड 5 16, सो 5 से जाएगा, 5 7 ज़ा 35 5 7 ज़ा 35 एंड अगेन 7 11 ज़ा 11 1 ज़ा, तो मतलब कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी है। हमको क्या करना है, शो डैट, मतलब उन्होंने दिया तो है ये को प्राइम ही है, लेकिन हमको ऐसे फैक्टर्स निकाल के प्रूफ करना है कि ये को प्राइम है, राइट, वी हैव टू शो। सो 875 सो 5 से ही कर लो, सो 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा ठीक है। अब 1859 है तो क्या 1859 डिवाइड बाय 3 हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिवाइड बाय 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिवाइड बाय 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 11 हो रहा है, यस 11 हो रहा है, सो 11 से 169 से जाए, 169 तो 13 का है ठीक है। तो मतलब देखो 1 के अलावा कोई भी नहीं है, तो ये भी को प्राइम हमने प्रूफ कर दिया। मतलब इस तरह से प्रूफ करना पड़ेगा, आपको दिखाने पड़ेंगे सारे प्राइम फैक्टर्स के, देखो कोई भी कॉमन नहीं है, राइट। ये वीडियो ज़रा थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी इसीलिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम लेंगे, सो मीनवाइल हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।